सैनिटाइजर तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। लोग मजबूर होकर अपने घर से खाना मंगवा कर खाते हैं। वहां रात्रि पहरी का भी कोई व्यवस्था नहीं है। फातेपुर से अवनीश कुमार की रिपोर्ट। यहां पर आप लोग कब से हैं? एक हफ्ता से। क्या क्या सुविधा दिया जा रहा है यहां पे? कल भी खराब है यहां पे, चापाकल जो है। थोड़ा सा लाउडली बोलेंगे, थोड़ा सा ऊंचा आवाज में बोलेंगे। क्या क्या सुविधा नहीं है सर, खाना के न पानी के। कल एक है वो जो है खराब रहता है, बार बार पानी लेकर जाना पड़ता है धराने के लिए। कल यहाँ के स्थानीय मुखिया के द्वारा कुछ सुविधा दी गई है कि नहीं दी गई? कोई सुविधा नहीं सर। वो देखने आते हैं कि नहीं? एक हफ्ता में आज आए हैं, दो पाँच मिनट के लिए आए हैं, चले गए। तो क्या बोले उस बीच में? बीच में क्या बोले, हम ही लोग बोले कि वो मतलब बीच में बोल रहे थे कि वहाँ इंतजाम हो रहा है सिमरा में, समझे? तो डुमरा में। अब आप लोग कितने आदमी हैं टोटल? यहाँ पे छः आदमी। क्या क्या नाम है? मोहम्मद इमरान अली। और क्या नाम है? मोहम्मद इरफान अली। और कौन अंसारी? और कौन लोग हैं? और सरवर आलम, गुलाम सरवर आलम, और एक वो लड़का है। अब विश्वजीत भगत। अच्छा, आप लोग कहाँ के हैं? यही का रहने वाले। यही कहाँ? भेरोखरा। ये किस प्रखंड में पड़े? फातेपुर प्रखंड। यानी कि कोई सुविधा मुखिया की तरफ से कहीं से कोई सुविधा नहीं दी जा रही? कोई सुविधा नहीं मिला। घर से खाना मंगाते हैं, घर में भी आदमी नहीं है आने वाला। बहन खाना लाती है, बहन रहती है। कहाँ कहाँ से आए? सासाराम से आए हैं। सासाराम से आए? चार आदमी सासाराम से आए हैं। और कहाँ से हैं? और ये गुलाम सरवर भाई है जो उड़ीसा से आए हैं। एक कलकत्ता से आया है, वो ड्राइवर है गुड्डू कुमार जो। अच्छा अच्छा। और रात्रि पहाड़ी के लिए भी कोई व्यवस्था है क्या? रूम है, एक रूम में जो है चार आदमी हम लोग ले। नहीं, कह रहे हैं कि आपके सुरक्षा में यहाँ कहीं से कोई रखा गया व्यक्ति को? कोई रखा? ऐसे में तो आप तो घर भी निकल जाते होंगे? नहीं निकलते सर, नहीं जी। एक हफ्ता हो गया घर में। घर तो बगल में भी है, यही बगल में ही जा सकते थे, लेकिन